अल्लाहम कुकिंग विद महिन में खुश आमदीद उम्मीद है आप सब कर होंगे और अल्लाह का लाख लग चुक है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ तो अब मैं इस पूरे वीक में शेयर करने वाली हूँ अपनी पूरी यूट्यूब जर्नी कि मैंने कितनी मेहनत के बाद कितने पापड़ बेले यार जब जाके मैं यहाँ आई हूँ और मैंने कितनी गलतियाँ की हैं अपनी पुरानी वीडियोज़ में तो मैंने उनको कुछ नया तड़का दे के दोबारा से अपलोड करूँगी ताकि जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मेरी वीडियोज़ नहीं देखी हैं वो देख लें तो यहाँ मैं बना रही हूँ मुरादाबादी पुलाव और सबसे पहले हमने जो है प्रेशर कुकर के अंदर हमने यहाँ पर लिया है बीफ आप चाहे तो मटन भी यूज़ कर सकते हैं बीफ के अंदर हम शामिल कर देंगे प्याज और गरम मसाला जितना भी साबुत है लौंग इलायची दालचीनी जायफल जावित्री और एक पूरा साबुत लहसुन मैंने लिया है क्योंकि हम इन सब चीज़ों को जब यखनी हम निकालेंगे तो उसको छानेंगे तो आप चाहें तो साबुत लहसुन भी डाल सकते हैं छीलने की ज़रूरत नहीं तो या वैसे आप छील के डाल दें आपके ऊपर डिपेंड करता है तो ये सारी चीज़ें हमने शामिल कर दी अपनी यखनी में और अदरक को मैंने मोटा मोटा कूट लिया है कूट लेने से ये होता है कि जो अदरक का जो टेस्ट होता है जो फ्लेवर होता है वाह दोबाला हो जाता है और यहाँ पर मैंने ले ली है बारह अदद हरी मिर्चें और मैंने भाई बहुत सी गलतियाँ की थी अपनी यूट्यूब जर्नी में तो वो आगे शेयर करती रहूँगी तो ये है मेरा पुलाव मसाला जिसमें है वन टेबल स्पून साबुत धनिया वन टेबल स्पून सौंफ वन टेबल स्पून ज़ीरा और नमक हसव का यह आप बना के रख भी सकते हैं और फिर मैंने ले ली है दा यह देगी लाल मिर्चें बारा आदत और ये सब चीज़ें डाल के यखनी को बंद करके प्रेशर कुकर को प्रेशर की सीटी ऑन करके और रख दें और बना लें अपनी यखनी और जब तक हम बना लेते हैं मसाला भाई मेरे बच्चे तो आलू के बग़ैर चावल चावल ये चावल बोलने वाली आदत जो है ना मेरी शुरू से ही है और मेरी दोस्तों ने बड़ा रिकॉर्ड लगाया था मेरा तो वही बोलूँगी राइस हम उसमें मेरे बच्चे आलू ज़रूर लेते हैं तो मैंने यहाँ पर आलू ले लिए इमली का पेस्ट साबुत गरम मसाला पिसा हुआ गरम मसाला वन टेबल स्पून हरी मिर्ची पच्चीस अदद लहसन अदरक का पेस्ट और प्याज ब्राउन करके मैंने निकाल लिए और दही दही पे भी बहुत मेरा रिकॉर्ड लगाया था दिल हम तुमने तो मेरी यूट्यूब जर्नी में मेरी दोस्तों ने जितना मेरा साथ दिया मुझे हर एक बात बात <laughs> यार अब मैं दोबारा अपलोड कर रही हूँ ना तो मुझे आ यारी हर एक बात पे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और अब अगर आप लोग मेरी पुरानी वीडियोज़ देखेंगे ना तो आप लोगों को इतनी हंसी आने वाली है ना मुझे ख़ुद को इतनी हंसी आती है जब मैं देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ना वीडियो सिर्फ फ़नी के तौर पे देखी जा सकती है कि फ़नी वीडियोस अगर आप लोगों को देखनी हो तो मेरी पुरानी वीडियोस खोल के देख सकते हैं क्योंकि उन वीडियोज़ में मैं क्या करती थी कि एक स्टोर है मेरा वॉशिंग एरिया वहाँ जाती थी और वीडियो में वॉइस ओवर करती थी मुझे लगता था कि यार वॉइस गूंजेगी तो मुझे माइक तो था नहीं अभी भी माइक नहीं है लेकिन मैं अपनी वॉइस गूंज के जो है अपलोड करती थी तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी आज और बस ये कुछ फ़नी सीन्स मेरे साथ हुए और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैंने गर्म मसाले के अंदर हरी मिर्चें शामिल कर दी आलू शामिल कर दिए और फिर उसके अंदर शामिल कर दिया लहसुन अदरक का पेस्ट इन सब चीज़ों को जब आप तेल के अंदर फ्राई करते हैं ना वाह जो हरी मिर्च का जो खुशबू आती है ना मुरादाबादी पुलाव का जो गायता आ जाता है वो एक अलग ही टेस्ट होता है उसका एक अलग ही लेवल होता है तो ये बिल्कुल भी इसके मत कीजिएगा कि ऑयल के अंदर पाँच से अदद हरी मिर्चें साबुत भी फ्राई ज़रूर कीजिएगा और इसके बाद मैंने जो प्याज ब्राउन करके रखे थे तीन अदद वो हमने इसमें शामिल कर दिए अब हम इसके अंदर डाल डालेंगे डालेंगे सॉरी तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मेरे साथ क्या क्या सीन हुआ अच्छा जितने भी मेरे यूट्यूबर्स फ्रेंड्स हैं वो लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को अपनी यूट्यूब जर्नी का कौन सा सीन है ऐसा जो सबसे ज़्यादा फनीस्ट लगता है मुझे जो लगता है वो मुझे लगता है मेरी वॉइस कि मैं इतना डरती थी इतनी मेरी दोस्तें मुझे मैसेज करती थी हमारा एक ग्रुप बना हुआ है तो वहाँ पर मुझे कहती थी यार मेहरीन कहाँ हो तुम तुम तो हमें नज़र ही नहीं आती यूट्यूब पे तो ऐसा लगता है कोई और ही बंदी है क्योंकि जब मैं ऐसे बोलती थी जी तो अब इसमें हम डालेंगे तेल और अब हमने इसमें शामिल कर दिया है गोश्त इसके बाद आप इसको अच्छी तरीके से <laughs> तो मैं बिल्कुल ही अपने आप को जो है ना बहुत ही मासूम भोली भाली सी आ, पोर्ट्रेट करके और फिर इस तरह मैं बोला करती थी तो मुझे अपना वो वक्त याद करके बहुत ज़्यादा हंसी आती है भाई बंदा मैं आप लोगों को एक ही टिप देने चाहती हूँ मेरे जितने भी फैमिली फ्रेंड्स हैं और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि ये मैं डाल रही हूँ गरम मसाला पिसा हुआ गरम मसाला मैं साथ साथ रेसिपी भी बताती जाऊँ यार वैसे ये वीडियो रेसिपी की थी लेकिन मैं यहाँ पर अपनी यूट्यूब जर्नी शेयर करने बैठ गई तो मैं आप लोगों को बताती जाऊँ कि आप लोग कोई भी काम शुरू करो ना तो जैसे आप हो ना स्टार्ट से वैसे ही रहो अगर आप, आप स्टार्ट से वैसे नहीं रहोगे ना तो आपको ख़ुद को मज़ा नहीं आएगा तो मेरे साथ यही हुआ था कि मैं शुरू में इतना प्रेशर लेती थी अपने दिमाग पे कि मैं जैसे थी नहीं जैसे मैं बोला करती थी तो मैं हर वक्त डरती थी अटकती थी और घबरा जाती थी मुझे मेरी दोस्तें जो हैं ग्रुप में मैसेज शुरू हो जाते थे यार ये क्या अल्फाज बोल दिया यार चावल क्या बोल दिए दही क्या बोल दिया तो यार मैं जो हूँ वो हूँ जैसी मैं हूँ वैसी रहूँगी और ये मैं शामिल कर रही थी यखनी तो मैंने गोश्त तो पहले ही इसमें ऐड कर दिया था अब इसमें मैंने जो चार गिलास यखनी उबालने के लिए रखी थी वो तीन गिलास रह गई थी वो हमने शामिल कर दिए और उसके बाद लेमन और टमाटर ये हम इसमें ऐड कर देंगे तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि यार मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया था यूट्यूब के लिए लेकिन नहीं मुझे मज़ा नहीं आ रहा था तो अगर आपको अपना काम एंजॉय करना है ना अपनी असल में मुझे ये भी था कि जब मैंने चैनल शुरू किया था तो हमारी फैमिली और मुझे हर तरफ से जो है ना एक प्रेशर भी था कि क्यों यूट्यूब पे आ रही हो क्यों आ रही हो लेकिन तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा जो है ना अपने आप को चेंज करके प्रेजेंट करती थी जो कि मैं नहीं थी तो मुझे मज़ा नहीं आता था काम करने में मैं इन्जॉय नहीं कर पाती थी लेकिन आज अब मैं जब वॉइस ओवर भी कर रही हूँ तो मैं फुल इन्जॉय करके करती हूँ मुझे कोई टेंशन नहीं होती क्योंकि मुझे जो रिस्पेक्ट मिली इस यूट्यूब चैनल से लोगों ने मेरा बोलने का तरीक़े को इतना नहीं ज़्यादा गौर किया जो मेरे चाहने वाले थे उन्होंने माशाल्लाह से इतना अप्रिशिएट किया मुझे इतना ज़्यादा किया मेरी हर एक कदम पे मेरी जो हौसला अफज़ाई की मेरी हर एक रेसिपी पे जो उन्होंने मुझे मोटिवेशन दी मुझे जो प्यार दिया उसकी वजह से मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती और भाई मैंने पुलाव बना ली थी और अभी मेरा दिल चाह रहा अल्लाह दोबारा से कि मैं आज दोबारा ये बनाऊँ काफ़ी दिन हो गए वैसे मैंने मुरादाबादी पुलाव नहीं है तो चलो आज शाम में दोबारा से बनाते हैं और ये मैं इसमें जो है दही दही का रायता भी तैयार कर रही हूँ जिसमें मैंने शामिल कर दिया है हरा धनिया हरी मिर्च पुदीना और इसके बाद में पिसा हुआ ज़ीरा शामिल करती हूँ वो हमेशा मैं जार में रखती हूँ वो थोड़ा सा शामिल कर दें नमक हंस ज़ायका और जो मैंने अच्छा हाँ जो मेरी पुरानी वीडियो थी उसमें मैंने मुँह से निकला हुआ था कि इसमें हम शामिल कर रहे हैं गाजर टमाटर और प्याज जबकि मैंने खीरे को गाजर कह दिया था तो सॉरी जिन लोगों ने पुरानी मेरी वीडियोस देखी थी और मैंने काफ़ी जगह पे जो है टेबल स्पून जो बोलना था और डाला भी मैंने टेबल स्पून ही था लेकिन टाइप करते हुए इतनी मैं कंफ्यूज होती थी कि मेरी काफ़ी रेसिपीज़ में आप लोगों को नज़र आएगा मैंने टी स्पून लिख दिया है तो यार बड़े फनीस्ट मोमेंट्स मेरे साथ मेरी, मेरी ज़िंदगी में हुए हैं और मुझे हंसी आती आज वो वक्त याद करके कि यार कितनी चेंज हो गई हूँ मैं आज जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की प्यार मोहब्बत सपोर्ट और आप लोगों ने जो मेरी रेसिपीज को पसंद किया और जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी जब होती थी जब मुझे लोग कमेंट्स में ये लिखते थे मुझे इंस्टा पे मैसेज करते थे पिक्स अपनी कि आप ही आज हमने आपकी रेसिपी ट्राई की बहुत मज़े की लगी आप ही मेरी नई शादी हुई है और मेरी ससुराल में सब ने बहुत पसंद की मेरी रेसिपी तो मुझे बड़ी खुशी होती थी तो यार इसी तरह अगर आप लोग आज भी ये रेसिपी ट्राई करें तो मुझे इंस्टा पे ज़रूर बताइएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और अगर आप लोगों को और भी ज़्यादा फनीस्ट मोमेंट्स जो मेरी ज़िंदगी में यूट्यूब की जर्नी में हुए हैं तो वो जानने हैं तो वो भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखें अपने घर वालों का ख़्याल रखें और प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और किसी को भी अंडर नहीं करें क्योंकि कोई भी आगे जा सकता है अगर मैं इतनी अनाड़ी बंदी आज यहाँ पहुँच सकती हूँ तो आप लोग तो बहुत आगे जा सकते हैं आप लोग तो मुझसे बहुत ज़्यादा काबिल हैं मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए